ये देखें जी, गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पे। ओए हो, यहाँ पे पानी में गाड़ी फंस गई है, जिसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की सलामतों का शुक्र अदा करने के बाद आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। ये मस्जिद जी 1973 से बनी हुई है, प्यारी है माशाल्लाह। अंदर से वैसे ही बाहर से खूबसूरत है, जैसे आपने पहले देखा। तो ये जितने भी सतून हैं आप देख सकते हैं, सब के सब लकड़ी के हैं और पूरी इमारत लकड़ी से बनाई गई है जी माशाल्लाह। इमारत शुरू हो चुकी है, ये देखें आप, और साथ ओले भी बरसना शुरू हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया है जी माशाल्लाह। ऐसे मौसम में जी सफ़र करने का अपने मज़ा है। हम गर्मी में आए, गर्मी से आए थे, और अभी ठंड भाई साहब। क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये सारा रश जी कुमराट वैली में है। इधर से गाड़ियाँ आ रही है, हमारी गाड़ी उधर पीछे है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। हम नीचे उतर गए हैं और नीचे आके हम ऐसे नज़ारा करेंगे। ये देखें घने दरख्तों के बीचों बीच, जैसे कोई फिल्मी सीन होता है ऐसे जी इंजॉय कर रहे हैं लोग। हमारी गाड़ी वो पीछे है, तो हम पैदल ही आगे जाएंगे। बहुत ज़्यादा रश है, रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा रोड ख़राब है कि क्या बताऊँ आपको। मैं आगे चल कर आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है इधर। हर तरफ पानी पानी, पत्थर ही पत्थर, रास्ता बहुत ही दुश्वार। कुछ गाड़ियाँ तो फंस जाती हैं, फिर कहीं कहीं घंटे वहीं पे खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद जाके गाड़ी निकलती है। ये देखें भाई साहब, आराम ना आराम ना, स्लिप हो जाए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4x4 गाड़ी कामयाब है, और भी गाड़ियाँ आई हुई हैं, मतलब कि कैरी डब्बा भी है, कार भी है, लेकिन सबसे जो मुफीद रहती है गाड़ी वो ये गाड़ी है जी 4x4। ज़्यादातर जीपें इधर आती हैं। क्या बात है, इन घने दरख्तों में जी लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं, टेंट वगैरह सेट किए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं जी ठंडे मौसम को। ये देखें जी गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पे। ओए हो भाई, लोग कोशिश में लगे हुए हैं कैसे निकालें। अभी जो हमारा सफ़र है वो हमारा सफर आगे का है कि हमने अब शहर पे जाना है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सूरत हाल है, इसके आगे जाके पता चल गया कि क्या सूरत हाल होगी। ऐसी जुगाड़ किया हुआ है यहाँ के लोगों ने, चीड़ का दरख्त, चीड़ का नहीं है, पता नहीं कौन सा दरख्त है, इसको पानी में, ये पानी में गिराया हुआ है या गिरा हुआ है पता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर से जा रहे हैं। माशाल्लाह, ये देखें जी कितने बुलंद बाला पहाड़। ये पत्थर महसूस है जी, पत्थर बिल्कुल सफ़ेद। जब पहाड़ बर्फों से बिल्कुल बर्फ़ पहुंच जाते हैं ना, फिर बर्फ़ पिघलना शुरू होती है, तो जब पानी नीचे आता है उसी जैसे ये जा रहा है, तो ये पत्थर ऊपर से नीचे आते हैं। देखिए कितने ज़्यादा पत्थर हैं, वहाँ पे पानी ने रास्ता भी बनाया हुआ जी, और ये पता नहीं पानी की वजह से ख़त्म हो गए। क्या बात है, यहाँ पर जी अच्छी खासी ठंड हमें लग रही है। जब जी हम घर से निकले, कोई भी प्लान नहीं था, एक हफ़्ता पहले हमारा प्लान था जी स्कर्दू, तो ऐसे करते करते जी हमने प्लान बनाया और कैंसिल हो गया। जो ही तैयारी बनी, इसका कोई आइडिया नहीं था हमने किधर जाना है, क्या सीन है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था। तो भाईजान की कॉल आई है, भाई यासर की, जो हमारे साथ हैं इंचार्ज जी, जिनकी गाड़ी है, जिन्होंने ये प्लान सारा तरतीब दिया है। तो उनने कहा जी आप तैयारी करें, हम कहीं निकलने वाले हैं। तो मैंने जी फटाफट तैयारी की है, बड़ी मुश्किल से रजामंदी ली है घर वालों से, क्योंकि पहले जो प्लान किया था उससे कर तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसकी इजाज़त नहीं मिली थी। तो अचानक से फिर इजाज़त मिली, और जो ही गाड़ी में बैठे तो पता चला हमने किधर जाना है। इससे पहले हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि हमने कहाँ जाना है। फिलहाल हम अल्हम्दुलिल्लाह जी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बहुत ही मज़े की जगह है। उसके बाद हमारा जो प्लान बना था वो था जी चतराल का। तो चतराल से पहले हम भाई यासर के दोस्त हैं, उनके बेटे की शादी थी,
वहाँ पे हमने हाजिरी लगवाई है और शादी अटेंड की। उसके बाद जी हम चित्राल को निकलने वाले थे, रास्ते में पहुँचे तो हमारा प्लान फिर से तब्दील हो गया कि हमने चित्राल नहीं जाना, हमने कुमराट जाना है। कुमराट यही जगह का नाम है, यहाँ पे जाना है। तो फिर इधर आके इस जगह का आइडिया नहीं था, जैसे ये पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं इसका रास्ता भी ऐसे ही है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कुछ ऐसा सीन होगा। हमने सिर्फ मैप लगाया और अल्लाह का नाम लेकर हम निकल पड़े और जो जो हम आगे आते गए रास्ता उतना ही ख़राब होता गया। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जीप्स आती हैं, जीप के अलावा कोई भी गाड़ी नहीं आती। जो भी गाड़ियाँ लोग लेकर आते हैं, मतलब कि कैरी डब्बा हो गया, सुजुकी होगी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेकर आते हैं क्योंकि कोई भी हैपन हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा ये पथरीला इलाका है, यहाँ पे पानी में गाड़ी फंस गई है जिसकी वजह से सारा काम खराब हो गया। मेरे ख्याल से निकल गई है, ये देखिए बहुत खराब रास्ता है, ये रश सिर्फ और सिर्फ गाड़ी फंसने की वजह से है। मेरे ख्याल में अभी तक फंसी हुई है। सब को जी बहुत जल्दी है, कोई भी गाड़ी वाला रुक नहीं रहा, ये बेचन उठिया जल्दी में, वो भी, ये गाड़ी भी और वो गाड़ी भी, रास्ता भी नहीं है और गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। अभी रश देखिए, बहुत ही मज़े के दरख्त हैं, जगह बहुत प्यारी है और अभी हम कुछ जगह तलाश कर रहे हैं कि कहाँ जाके हम जो है वो स्टे करें और खाना वाना खाएं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है यहाँ पे जी। सर्दी की ये सिचुएशन है, कई बंदों ने जी कंबल लिए हुए हैं, कई ने जैकेट कोट वगैरह पहने हुए हैं। हमने जब यहाँ इनको देखा तो बहुत अजीब सा लगा क्योंकि हम तो वहाँ गर्मी में, ये यहाँ ठंड में, तो हमने सिंगल एक एक सूट लेकर आए थे, ऊपर पहनने के लिए कुछ लेकर नहीं आए थे, इतना आइडिया नहीं था। जब यहाँ पहुँचे पता चला कि कुछ ऐसा सीन है। ये देखिए, ये भाई जन ने भी चादर ली हुई है माशाल्लाह जी। हम मराट जहाँ पे अबशार वाक़ है, ये कुछ व्यू है जी यहाँ का माशाल्लाह। तो अबशार जो इस जानी पे थोड़ा पैदल रास्ता है, वो भाई जो गाड़ी वाले थे वो कह रहे थे कि आपको थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। फ़िलहाल हम चलते हैं जी, कुछ पेट पूजा कर लें क्योंकि जब से चले हैं ना कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, रास्ता ही कुछ ऐसा है, हम कुछ और सोच कर आए थे, हो कुछ और गया है। तो खैर ये बाद में हम रिव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं जी यहाँ पे कुछ खाने के लिए है। देसी सिस्टम है, देसी निज़ाम है, क्या चीज़ है, पहले दो दिन चेक करते हैं। अबशार की तरफ हम जा रहे हैं और बहुत ही चढ़ाई है, सांस फूल गया जी। हमारे उस्ताद मोहतरम आ रहे हैं, भाई इमरान और भाई यासर उनसे पहले आगे चले गए हमें। बहुत सफ़र है, ये देखिए बुलंदोबाला पहाड़ियाँ, अभी सूरज ग्रूब नहीं हुआ, इन पहाड़ियों के पीछे छिप गया हुआ है, जिनकी वजह से हमें लग रहा है कि सूरज ग्रूब हो गया हुआ, लेकिन ग्रूब नहीं हुआ। जिस अबशार के लिए हम यहाँ आए हैं जी, वो अबशार मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही जी, ये है जी वो अबशार जिसके हम वहाँ से यहाँ आ पहुँचे। नज़दीक चलते हैं और नज़दीक से आपको व्यू कराते हैं जी, कैसे इसका व्यू है। Yes.